हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। एक्सरसाइज हमारी 9.2। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है पांच गांवों में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। तो पांच गांव दिए गए हैं, गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी, गांव ई। इनकी संख्याएं जो है वो भी हमको बता दी गई हैं। फिर इन्होंने कहा है संकेत, ये जो क्रॉस दिया गया है इसका प्रयोग करके जो 10 पशुओं को निरूपित करता है, मतलब ये जो संकेत है क्या निरूपित कर रहा है, इसका मतलब है 10 पशु। ठीक है, इन पशुओं का एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका चित्रालेख जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सारणी बनाई जाएगी जिसमें हमने गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी, गांव ई लिख के रखा हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा था कि भाई ये जो चिन्ह है इसका मतलब क्या, इन्होंने बताया था इसका मतलब था 10 पशु। ठीक है, तो इसका यूज करके हमें बताना है। तो भाई गांव ए में कितने पशु बताए हैं, तो भाई देख लेते हैं, गांव ए में इन्होंने बताए हैं 80। हम सारे नंबर लिख लेते हैं, 80, 120, 90, 40 और 60। तो हम सारे यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, हम इधर उतार लेते हैं, गांव ए में 80, गांव बी में 120, गांव सी में 90, गांव डी में 40 और गांव ई में 60। इतने बताए थे तो सारे हमने उतार लिए। अब हमारा एक क्रॉस का मतलब क्या है, 10 पशु। तो उसमें 80 दिए हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इस 10 से 80 को भाग देंगे तो 10 अट्ठे 80, तो कितने क्रॉस बनेंगे, 8 क्रॉस जो है वो हमारे बनेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गांव ए के लिए। फिर हमारा दिया है 120, तो 120 को 10 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। तो मतलब इस बार हमारे 12 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब सब पे हम क्रॉस लगा देते हैं। इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 लिखा है तो 10 से भाग करेंगे 90 को, तो हमारा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 क्रॉस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस सब पे हम क्रॉस लगा देते हैं, तो इस तरीके से ये भी हो गया। फिर 40 लिखा है मतलब 4 बनेंगे, 1 2 3 4, तो 4 हमने बना लिए यहाँ पे। फिर 60 है मतलब 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये बन गई हमारी सारणी। अब इन्होंने जो पहला क्वेश्चन दिया है ए वाला, वो देख लेते हैं। इन्होंने कहा है गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं। ठीक है, तो गांव ई के कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, तो हमने देखा कि 6 संकेत निरूपित कर रहे हैं, तो हमें आंसर में लिख देंगे 6 संकेत। ठीक है, बी वाला आंसर करेंगे। तो बी वाले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है, तो ये तो हमें ऊपर से ही पता चल जाता है, भाई हमारा 120 है ना, तो गांव में बी में सबसे ज़्यादा हमारे पशु हैं। ठीक, हम लिख देंगे गांव, आंसर में लिख देंगे इस तरीके से, गांव बी में। ठीक है, चाहे तो आप संख्या भी लिख सकते हो, 120। ठीक है, फिर तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है किस गांव में अधिक पशु हैं, गांव ए में या गांव सी में। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई हमारे गांव ए में और गांव सी दोनों में देखना है, तो गांव ए में 80 है, गांव सी में 90 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गांव सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर को, गांव सी में गांव ए से अधिक पशु हैं। ठीक है, इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। तो भाई हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित की गई है। जैसे कि वर्ष 1996 में 400 विद्यार्थियों की संख्या थी, 1998 में 535, सन 2000 में 472, सन 2002 में 600, सन 2004 में 623। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि
पहला वाला क्वेश्चन जो है संकेत, मतलब एक संकेत दिया इन्होंने इस तरीके से, का प्रयोग करके जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है। मतलब ये जो हमारा संकेत दिया गया है इसका मतलब है 100 विद्यार्थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 100 विद्यार्थी निरूपित करता है। एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले हम ये बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं अपनी, ठीक है, चित्रालेख बना लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो भाई हमने इस तरीके से ये चित्रालेख बनाया है, अभी कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट करेंगे। जैसे कि इन्होंने जो विद्यार्थियों की संख्या दी थी वो हमने उतार ली है, और सन भी जो सन दिए गए थे उनके हिसाब से हमने विद्यार्थियों की संख्या उतार ली है। और इन्होंने एक सिंबल दिया था, कहा था कि जो हमारे 100 विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सिंबल यूज करो, ठीक है। तो भाई इसी सिंबल को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे। तो 1996 में कितने हैं, 400, ठीक है। तो 400 को 100 से भाग करेंगे तो हमारा 4 ही तो आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितने सिंबल बनाएंगे इस तरीके से, ये 4 सिंबल बनाएंगे। 1, 2 हो गए, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 535, तो मतलब 535 को हम 500 पढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है। और 35 को हम आधा बना देंगे, ठीक है। 35 की जहाँ पे बात होगी तो हम वहाँ पे आधा बना देंगे। फिलहाल 500 है, ठीक है। 500 तो पूरे पूरे हैं ना, तो मतलब 5 हमारे पूरे पूरे बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और 35 हमारा बचा है ना, तो 35 के लिए हम आधा बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आधा हो गया, इधर वाला हिस्सा तो बनेगा ही नहीं, आधा हम बना लेते हैं, ठीक है। ये आधा है, 472 दिया गया, 472 में 400 तो पूरा पूरा है और 72 हमारा जो बचेगा उसके लिए आधा बना देंगे। तो 400 पूरा पूरा है मतलब 4 तो पूरे पूरे बनेंगे। 1, 2, 3, 4, ठीक है। और एक हम आधा अधूरा बना देते हैं, ठीक है। ये 72 के लिए हो गया। यहाँ पे 600 दिया है मतलब 6 पूरे पूरे बनेंगे, पूरा पूरा 600 है ना, तो 6 पूरे पूरे बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब हम बना लेते हैं पूरे पूरे 6, ठीक है। ये हमारे हो गया, यहाँ पे 623 है, तो 600 इसमें पूरा प्लस 23, तो 23 के लिए आधा बना लेंगे और 600 के लिए हमारे 6 बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा आधा, ये 23 के लिए, ठीक है। ये आधा बना हुआ है, पूरा नहीं बनाना है हमें इस तरीके से। एक डंडा और 2 लाइनें, ठीक है। ये हो गया हमारी सारणी, ये पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे ये चित्रालेख। अब इन्होंने पहला जो क्वेश्चन किया है, क्या किया है, वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। सन 2002 की बात कर रहे हैं, तो कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो हम आंसर में लिख देंगे, ए वाले के आंसर में लिख देंगे 6 संकेत, ठीक है। फिर बी वाला जो क्वेश्चन है, इन्होंने क्या कहा है कि वर्ष 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। 1998 की बात कर रहे हैं, तो भाई 1998 हमारा ये है, ये कह रहे कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 पूर्ण है और 1 अधूरा, ठीक है। तो आंसर को ऐसे ही लिख देंगे, 5 पूर्ण संकेत तथा 1 अधूरा संकेत, ठीक है। इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अभी हमारा बी वाला, इस क्वेश्चन का ए पार्ट जो है वो हमारा, ए पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इसका बी पार्ट भी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कोई और संकेत लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, एक अन्य चित्रालेख बनाइए, और कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है, ये हमसे कह रहे हैं। तो इस बार जैसे कि पिछली बार हमसे क्या कहा था कि 100 विद्यार्थी जो है इसके बराबर है, अब हमें खुद ही चयन करना है
किसी भी संकेत को चयन कर लेंगे और उसमें हमें एक वो जो संकेत होगा वो 50 विद्यार्थियों के बराबर होगा। तो भाई हमने यहाँ पे एक सारणी बना ली है, ठीक है, जिसमें हमने सन भी लिख दिए, विद्यार्थियों की संख्या भी उनके सन के हिसाब से लिख दी है। इन्होंने कहा था इस बार हमें अपने एक संकेत चयन करना होगा जिसमें उस संकेत का मतलब 50 विद्यार्थी हो। तो हमने एक संकेत चयन किया है, हम ले लेते हैं स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक स्क्वायर जो है संकेत लिया है, इसका मतलब हो जाएगा 50 विद्यार्थी। तो 400 है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 400 है आपको दिखा देते हैं अलग कहीं, ये जो हमारा 400 लिखा हुआ है, ठीक है, इस 400 को 50 से देंगे भाग, जीरो से जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 8 40, 8 आ गया पूरा, मतलब 8 स्क्वायर हमारे यहाँ पे बनेंगे जाके, ठीक है, 3 4 5 6 3 3 6 7 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे 535 है तो 35 को तो फिलहाल हटा ही दो क्योंकि ये 50 से कम है तो इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 35 हटाया तो 500 हुआ, तो 500 को 50 से करेंगे भाग, 0 0 कट गया, 5 दहामन 50, मतलब 10 तो पूरे बनेंगे और 35 के लिए आधा बना देंगे, ठीक है, यही करेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एक आधा बनेगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हमारा आधा हो गया, ठीक। आ ये 35 के लिए आधा वाला बन गया, यहाँ पे 472 है, ठीक है, तो हम इसमें क्या ले लेंगे, 450 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 450 जो है वो हमारा चला जाएगा ना 50 से, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 ने 45, ठीक है, और हमारा अभी 72 था ना, मतलब अभी हमारा कितना बाकी है, 27 कितना 72 था, तो मतलब 22 बाकी है अभी, ठीक है, 22 जो बाकी है उसके लिए हम आधा बना देंगे, फिलहाल 9 ब्लॉक जो हैं पूरे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो हमारा 22 बचा था उसके लिए हम आधा बना देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे 600 है, 600 पूरा है, तो 600 को 50 से करेंगे भाग, 0 0 कट गए, तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, मतलब 12 बनेंगे जाके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब 2004 में 623 है, 623 है, मतलब 23 तो हमारा 50 से कम है ना, तो हम 23 के लिए आधा बना देंगे, 600 के लिए हमारे कितने बनेंगे, अभी हमने देखा 12 बनेंगे, तो इसके लिए भी 12 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये आधा बनेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा 23 के लिए आधा, ठीक है, इस तरीके से हम संकेत सारे बना देंगे। अब इन्होंने क्या कहा था कि कौन सा आलेख जो है ज़्यादा अधिक सूचनाप्रद है, यही तो बोला था ना, कौन सा आलेख, तो भाई हमने जो पहले बनाया था उसमें कम चित्र थे, तो उसमें 72 और 35 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा था, जैसे इसमें इसमें हमने 72 के लिए 72 में जो 72 में से हमने 50 को निकाला, ठीक है, तो 50 के लिए हमने बना दिया, बाकी 22 के लिए हमने आधा बना दिया, ठीक है, उसमें क्या था, 72 के लिए भी आधा बन रहा था, 35 के लिए भी आधा बन रहा था, 23 के लिए भी आधा बन रहा था, पर इसमें क्या है, 72 के लिए एक, ये एक हमारा 72 में से 50 निकाला तो इसके लिए एक बन गया, इसके लिए इतना बन रहा है, 35 के लिए इतना बन रहा है, 23 के लिए आधा बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो है इसमें ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से ज़्यादा जूम करके किया गया है, तो इसका मतलब कह देंगे क्या लिखेंगे हम कि चित्रालेख बी
चित्रा, लेख, ए से अधिक सूचनाप्रद है, ठीक है। इस तरीके से अपने आंसर को लिख देंगे। तो भाई ये वाला पूरा हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिख देना।